वेलकम टू डे टू ऑफ अवर ट्रिप इन हम्पी। हम्पी के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको अपने ट्रैवल और स्टे ऑप्शन के साथ यहाँ के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी बताया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। विजय विठला टेम्पल, किंग बैलेंस से विजय विठला टेम्पल ओनली 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर ये वीडियो में हमें, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है और जितना मैंने पढ़ा है विजय विठला टेम्पल के बारे में, उसके बारे में जितना नॉलेज मुझे है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप यहाँ पर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी हम लोग हम्पी के विजय विठला टेम्पल में है। ये हम्पी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है और यहाँ पर आपको 50 रुपीज के नोट में जो चैलेंज दिखता है वो भी यहाँ ही दिखने मिलेगा। विष्णु जी के लिए टेम्पल बनाया गया था उस टाइम पे। तो आपको जब एंटर करते ही आपको तुलसी जी का स्तंभ दिख जाएगा। ओके, उसके बाजू में जो आपको ये बड़ा वाला स्टैंड दिख रहा है, जो ये है लैम्प फिलर, यहाँ पर सब दिया वगैरह रखा जाता था। ये प्रसाद स्तंभ है, यहाँ प्रसाद रखते थे। ये जो है वो ऑरेंज फ्लैग स्टैंड या फिर ध्वज स्तंभ भी बोलते है, यहाँ फ्लैग होस्ट होता था ये नगर का। तो मेरे पीछे आप जो चैलेंज देख रहे हैं, ये कृष्णदेव राय जब ओडिशा गए थे वहाँ के कोदांक चक्र से इंस्पायर होकर ये चैलेंज बनाया है। तो मोस्टली चैलेंज जो होता है, जब भी फेस्टिवल होता है तो ये चैलेंज जो है मंदिर के आसपास घुमाते हैं और वो फेस्टिवल की शुरुआत करते हैं। तो ये जो चैलेंज पीछे है, यहाँ पर इसे घुमाने की कोशिश किया बट क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा था तो इसे घुमा नहीं पाए। तो उस टाइम पे बहुत बलशाली जो मनुष्य रहते थे या फिर जो इंसान रहते थे वो इसे चक्र को सिर्फ घुमाते थे। और फिर वैसे लोग इमेजिन करते थे ये चैलेंज पूरा मंदिर जो है घूम रहा है। और यहाँ पर इसके बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कलर्स आपको अभी भी देखने मिलेंगे। तो अगर आप हम्पी आ रहे हैं तो आपको ये जरूर विजिट करना चाहिए। मंडपा देख रहे हैं, ये कल्याण मंडपा है या फिर वेडिंग हॉल आप इसे बुला सकते हैं। यहाँ पर विठल रुक्मिणी जी का फेस्टिवल में शादी कराते थे और यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजाओं का भी शादी हुआ है। तो मेरे पीछे अभी आप जो मंडप देख रहे हैं ये भजन मंडप है और यहाँ पर भजन होते थे। तो जैसे कि ये म्यूजिक मंडप है तो यहाँ पर बाहर का वॉइस जो है अंदर नहीं जाने के लिए यहाँ पर लोग जो है पहले पर्दा बांधते थे। और वो जब भी बारिश होता था तो पर्दा जो है यहाँ पर बांधते थे और यहाँ पर अगर बारिश का पानी आता था तो यहाँ पर ये होल से जो है पूरा पानी ऐसे एक एक ड्रॉप करके नीचे आता था विदाउट साउंड और पूरा वाटरफॉल इफेक्ट आता था यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल अगर पानी डाले, अगर समझो बारिश हो रहा है तो अगर पानी जो आ रहा है तो ये देखो एक एक ड्रॉप करके सेम यही लाइन पे आ रहा है और फिर वो ऐसे गिर के वाटरफॉल इफेक्ट भी आता है साथ ही साथ। और नीचे पूरा मंडप का स्टैंड।
आप मंडप देख रहे हैं, ये नवरत्न मंडप या फिर संगीत मंडप ही बोलते हैं। यहाँ आपको जो पिलर्स दिख रहे हैं ना, वो म्यूजिकल पिलर्स है। अभी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया है, बजाना नहीं देते हैं, बट अगर पहले यहाँ से साउंड आता था अगर इसे बजाया जाता है। देख रहे हैं ये प्रसाद मंडपा है। यहाँ पर मंदिर में जब पूजा पाठ होता था तो यहाँ पर प्रसाद बनता था। ब्लॉग पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सून टू एवरीवेयर।